बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह से रमज़ान स्पेशल में आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ बॉम की रेसिपी, और वो भी विदाउट ओवन। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए आपने चाहिए होगा 2 कप मैदा, आधे चाय का चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून चीनी, 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। अगर इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ना हो तो आप इसकी जगह पे दही भी यूज कर सकते हैं, बस ये है कि रिजल्ट थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन हाँ दही बिल्कुल खट्टी होनी चाहिए। साथ में आपने 1 खाने का चम्मच या 1 टीस्पून रिफाइंड की ऑयल भी ले लेनी है, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब नीम गर्म पानी की मदद से आपने इसका एक डो लगा लेना है, बिल्कुल मुलायम सी डो। अब लास्ट में इसके ऊपर थोड़ी सी रिफाइंड की ऑयल आप लगा दीजिए ताकि ये थोड़ी मुलायम हो जाए, और इसको फिर से नीड कर लीजिए। अब ढक के इसे आप श्रिंक रैप से या फिर किसी ढक्कन की मदद से ढक के इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए आप इसको प्रूफ होने के लिए छोड़ दीजिए किसी गर्म जगह पे। अब आपने चाहिए होगा मोज़रेला चीज़ का क्यूब्स। अगर क्यूब्स ना हो तो बड़ी सी मोज़रेला चीज़ की पार्ट आती है, आप उसको छोटी छोटी टुकड़ों में कट कर लें। अब इसके अंदर आपने डालना है 1/4 चाय के चम्मच काली मिर्च की पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच लाल मिर्च की पाउडर, और 1/4 चाय का चम्मच नमक डालना है। नमक यहाँ पर थोड़ा सा कम डालिएगा क्योंकि चीज़ के अंदर पहले से ही नमक होता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, और ये बिल्कुल रेडी है, ये देखें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें लाल मिर्च थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारी प्रूफ हुई डो है, बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं हुई है क्योंकि ईस्ट का इस्तेमाल हमने यहाँ पे थोड़ा कम ही किया है। अब यहाँ पे काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करने के बाद इसके ऊपर हमें हल्का सा नीड कर लेना है डो को। अब थोड़ा सा सूखा मैदा इसके ऊपर डस्ट करने के साथ ही इसे कट कर लेना है छोटे छोटे से बॉल्स रेडी करने के लिए। और ये देखें, अब इसकी हमें छोटी सी बॉल्स रेडी करनी है, फिर थोड़े से बड़े साइज़ की, मतलब 3-4 पार्ट में, एक सबसे छोटी, एक उससे बड़ी, एक उससे बड़ी और एक सबसे बड़ी, इस तरीके से हमें बॉल्स रेडी कर लेना है। और ये देखें सबसे मीडियम साइज़ की जो है उस बॉल को मैंने यहाँ पे ले लिया है, और इसके बीच में ऐसे होल बनाने के साथ ही चीज़ क्यूब्स को इसके अंदर फिल कर देना है, और ये बॉल्स रेडी कर लेना है इस तरीके से। बाकी के भी बॉल्स को हम सेम इसी प्रोसेस से बना लेंगे। और अगर छोटी साइज़ की आपकी बॉल्स हैं तो आपने चीज़ क्यूब्स को थोड़ा छोटा टुकड़ों में कट कर लेना है, और फिर इसकी फिलिंग भी कर लेनी है, देखें कुछ इस तरीके से। तो तमाम बॉल्स हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आपने चाहिए होगा एक बेकिंग ट्रे या फिर इस तरह की कोई प्लेट्स आप ले लें, और उसके ऊपर रिफाइन की ऑयल स्प्रे कर दें, साथ में थोड़ा सा सूखा मैदा इसके ऊपर फैला दें, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा सूखा मैदा इसके ऊपर फैला देंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर बहुत सहूलियत के साथ आपने जो हमारे चीज़ बॉल्स है उसे रख देना है, और कुछ इस तरीके से हमें गैप कर करके, और जैसे बड़ी वाली है तो उसके बगल में छोटी वाली, इस तरीके से हमें अच्छे से सजा लेना है, ये देखें। अब ये बिल्कुल है बेक होने के लिए, साथ में मैंने प्री हीटेड होने के लिए रख दिया था 10 मिनट से पतीली को। नमक मैंने नीचे बिछाया है और ऊपर से स्टेन रखा है, और इसे हम बेक कर लेंगे तकरीबन 30-35 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर। और ये देखें तकरीबन 35-40 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें बहुत ही परफेक्टली हमारी चीज़ बॉम्ब्स जो है वो बिल्कुल रेडी हुई है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर अभी थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं ताकि ये थोड़ी मॉइस्ट हो जाए, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही सर्व कर दिया। और ये देखें मैं आपको तुरका दिखा रही हूँ, सुपर सॉफ्ट और अंदर से बिल्कुल चीज़ी, परफेक्टली हमारी चीज़ बॉम्ब्स जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इस रेसिपी को मैंने खुद ही इन्वेंट किया है क्योंकि मैंने इसको कहीं तो पिक्चर्स में देखे थे इस तरह का कुछ लुक्स, बस लुक्स मेरे को पता था, और बाकी की सारी प्रोसेस है, इंग्रेडिएंट्स कौन सा उनसे ऐड करने हैं वो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करके आप लोगों के साथ प्रेजेंट किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना फीडबैक मेरे साथ कॉमेंट बॉक्स में